सिन्हा साहब के, सिन्हा साहब का स्वागत करेंगे। कितने बेरोजगार पढ़ लिख के आदमी ऐसे बेरोजगार है जो हमें मिलना चाहिए हर चीज, इसलिए आदमी आए हैं। गृह मंत्री, कौन गृह मंत्री? अमित सिंह। नमस्कार, NBC 24 मीडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचने वाले हैं पटना, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से बीजेपी की तरफ से पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई है। बता दें आपको कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतर गए। तस्वीर एक बार दिखा देना चाहेंगे, पटना एयरपोर्ट की तरफ की ये तस्वीर है, जहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अमित शाह के स्वागत में खड़े हैं, बीजेपी का झंडा लेके, वहीं तिरंगा लेके। वहीं बता दें आपको कि अमित शाह जो है आज करीब 1:30 पर पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद एयरपोर्ट से रवाना होकर उनका जो काफिला है वो पटना के ज्ञान भवन में जाएगा, उसके बाद तमाम लोगों से साथ बैठेंगे, बैठक होगी और तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, कैसे बीजेपी को मजबूत किया जाए और 2024 में बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे जीत पाई जाए, सबसे बड़ी पार्टी बिहार में कैसे बने, इसको लेकर कई चर्चाएं होगी। वहीं बता दें आपको कि तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पटना की सड़कों पर हैं, महिला कार्यकर्ता, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। सिन्हा साहब के, सिन्हा साहब का स्वागत करेंगे। अमित शाह। कौन है ये? देखिए इनको पता नहीं है कौन आने वाले हैं, वहीं तमाम जो लोग हैं वो स्वागत में खड़े हैं। क्या नाम है चाची? मेरा आरती देवी। किसके स्वागत में? अमित शाह को। क्या मांगिएगा अमित शाह? रोजी रोजगार यही मांगते हैं, गरीबी दूर हो जाए, हम लोग स्वागत करेंगे उनको। ऐसे तो काम अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। महंगाई है? महंगाई तो है, तो सबके लिए महंगाई है, महंगाई तो भी है बहुत। ये सब दूर करने के लिए इसीलिए आदमी आया है इतना दूर से। कितने बेरोजगार पढ़ लिख के आदमी ऐसे बेरोजगार है जो हमें मिलना चाहिए हर चीज, इसीलिए आदमी आए हैं। क्या नाम है? मंजू देवी। क्या कहेंगे, ये गरीब बोलिए, पढ़ लिख के बाल बच्चा, पढ़ लिख के बाल बच्चा सही है, दर्शन करेंगे। और भी कुछ लोग हैं अंदर, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? पटना से आए हैं। पटना से ही आए हैं? हाँ। कौन आने वाला है? हाँ? कौन आने वाला है? मंत्री। कौन मंत्री? गृह मंत्री। गृह मंत्री। कौन गृह मंत्री? अमित सिंह। अमित सिंह। अमित सिंह। अमित सिंह। अमित सिंह। देखिए इनको नहीं पता है कौन आने वाले हैं, अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग झंडा लेके खड़े हैं, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं और अमित शाह के स्वागत में आए हैं। पटना एयरपोर्ट के पास की तस्वीर है, जहां पर तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो मौजूद हैं। वहीं बता दें आपको कि अमित शाह 1:30 में पटना एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे, उसके बाद उनका काफिला जो है वो निकल कर ज्ञान भवन जाएगा और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हों, नेता हों, मंत्री हों, उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और कैसे बिहार में सबसे मजबूत बीजेपी बने, इस पर भी चर्चा होगी। वहीं 2024 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई सारे चर्चा होगी। वहीं और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। अमित शाह आने वाले हैं, उनके बारे में क्या बोलेंगे? उनका स्वागत है पटना में और पर्सनली यहाँ पे थोड़ा स्वास्थ्य व्यवस्था और ये सब अच्छी होनी चाहिए, रोड की व्यवस्था, जो बिहार में टूटी फूटी रोड की व्यवस्था है वो सब सही करने की भी ज़रूरत है, बहुत सारे यही सब है उनसे मांग, और तो कुछ ज़्यादा नहीं है मांग। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, अब महंगाई पे भी अंकुश लगानी चाहिए, अभी महंगाई बहुत चरम सीमा पे है, जैसे कि खाद्य पदार्थ में GST वगैरह बहुत ज़्यादा इत्यादि लग रही थी, ये सब भी समस्या उनसे है मेरी मांग की, वो सब भी उन पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो महंगाई के कारण आने वाले दिनों में गरीब लोग या मध्यम वर्गीय जो भी परिवार हैं उनके लिए बहुत ही कष्टदायी होने वाला है। इन सब पे गृह मंत्री जी से है उम्मीद कि वो इस पे विचार करें और इस पे सोचें कि किसी प्रकार से गरीब आदमी का मतलब गुजार बसर हो सके। थैंक यू। तो आपने सुना और भी कुछ लोग थे, उनसे हमने बात किया, उनका साफ कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर महंगाई हो, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे अमित शाह से। वहीं अंकुश लगाना चाहिए अमित शाह को। और भी कुछ लोग, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया? रतन कुमार दास। सिटी से। किसका स्वागत करने हैं? अमित शाह जी का। अमित शाह जी का। क्या कहिएगा अमित शाह? महंगाई के बारे में थोड़ा बात। महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, अभी स्वागत में आए। हाँ, उनके स्वागत में आए। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? हाँ जी। आप क्या कहिएगा भैया? बस वही महंगाई वाई के बारे में, और बहुत सा बेरोजगारी हो गई है,
के, इसी के मम्मी से आके बोलेंगे। क्या बिहार में बेरोजगारी? बेरोजगारी तो बहुत है सर, सरकार तो कई दावे कर रही है। क्या तब भी आए हैं आप समर्थन में? हाँ समर्थन बोलेंगे तब तो जानेंगे ना, वो तो जान ही रहे, लेकिन यहाँ जनता लोग के बीच में हम बोलेंगे तब तो होंगे ना। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कौन आने वाला है। चाची कौन आने वाला है? अमित शाह आने वाले हैं। अमित शाह आने वाले हैं, उनके स्वागत में आए हैं? उनका स्वागत में आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं पटना से आए हैं, लेकिन हम लोग मतलब काम करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन हम लोग का सरकारी कर्मचारी किया जाए इसलिए आए हैं। तो हम लोग की तरफ से इतने आग्रह है कि सरकारी कर्मचारी किया जाए, प्राइवेट में हम लोग खट रहे हैं तो हम लोग का पेट नहीं भर रहा है, ये सरकारी सब कर्मचारी किया जाए, इसलिए फूल का स्वागत हम लोग लिए हुए हैं, उनका स्वागत करेंगे। तो हम लोगों को आपने सुना, तमाम अमित शाह के स्वागत में आए हैं। वहीं कुछ लोगों को नहीं पता ये कि अमित शाह आने वाले, कौन आने वाला है, कुछ लोगों को पता है कि अमित शाह ही आने वाले हैं। फिलहाल तमाम लोगों को आपने सुना है, क्या कुछ कहना था? तमाम मुद्दा है बिहार में, बेरोजगारी, महंगाई या फिर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।